आज हम बना रहे हैं सूजी रवा इडली। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ। सूजी 1 कप, चावल आटा 1 कप, 1 कप छाछ, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच नमक, 1 पाउच इनो। ये इडली बहुत ही जल्दी बनती है और बच्चों की बहुत फेवरेट इडली है। अब हम बना रहे हैं इडली का बैटर। पहले हमने सूजी डाली, फिर उसके बाद में राइस फ्लोर, सॉल्ट और बटर मिल्क और थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत होने से थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे, नहीं तो सूजी बहुत खट्टी, इडली बहुत खट्टी हो जाएगी जो कि टेस्ट में अच्छी नहीं होगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। सूजी पानी भी बहुत ज़्यादा लेती है। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इवनिंग स्नैक्स आजकल सबको पसंद है, ब्रेकफास्ट भी साउथ इंडियन बहुत प्रिफर करते हैं लोग। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा 10 मिनट्स रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो इडली बैटर रेस्ट पे जा रहा है, तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सांचे को, इडली के सांचे को ग्रीसिंग कर लेते हैं ऑयल लगा कर। और साथ में गैस भी ऑन कर देते हैं। देखिए हमारी सूजी फूल कर बहुत अच्छी हो गई है, बैटर रेडी है। अब हम इसमें इनो का पाउच खोलकर डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। और इसको सांचे में फिल कर देते हैं। हमारा स्टीम कुकर भी रेडी है, ये हमने इसमें डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट्स के लिए स्टीम करते हैं हम इडली को। अब हमारी इडली बनके रेडी है। देखिए फ्लफी वाइट इडली, हमने स्पून किया, नाइफ क्लियर निकल गया। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इन इडलीज को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इडली बनके रेडी है। अब हम इसको सांचे से निकाल लेते हैं और प्लेटिंग कर देते हैं। देखिए एकदम वाइट इडली। आप इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, ड्राई चटनी, ग्रीन चटनी, अलम चटनी, जो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी फ्रेंड्स।